विलियम लॉसन्स भी वैसे ही विलियम शेक्सपियर के जैसे कोई इंसान रहे होंगे. दिस इज जीरो स्मोक विस्की. आई लव स्मोकी विस्की. लेकिन बहुत लोग को स्मोकी विस्की पसंद नहीं है. टेस्ट में इसको विस्की कह नहीं सकते हैं. इट्स अ फ्रूट क्रीम. फ्रूट क्रीम एक डेजर्ट डिश होता है. आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा. हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल. सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को क्योंकि ये विलियम लॉसन का रिव्यू डिलेड आ रहा है. ख़रीद के तो मैं पहले ही ले आया था इसको, लेकिन उसके बाद मेरे को मिल गया टंच स्ट्रॉन्ग देसी दारू एंड समहाउ आई गॉट एक्साइटेड वो देसी दारू का रिव्यू के लिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला था देसी दारू का. सो इट्स गॉट डिलेड. तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. अच्छा, ये विस्की है विलियम लॉसन्स. नाम से ही समझ में आता है कि विलियम लॉसन्स भी वैसे ही विलियम शेक्सपियर के जैसे कोई इंसान रहे होंगे और उन्होंने अपने ही नाम पे इस विस्की का नाम रखा है विलियम लॉसन्स. इसके बारे में कहा जाता है दिस इज ज़ीरो स्मोक विस्की. आई लव स्मोकी विस्की. लेकिन बहुत लोग को स्मोकी विस्की पसंद नहीं है. बहुत लोग का ये भी कहना है कि स्मोक का अगर ओवरडोज होता है तो बाकी जितने बहुत ब्यूटीफुल अरोमास जो होते हैं विस्की में वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं हो पाता है नोजिंग के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे. वो भी एक रीज़न है. मिस्टर लॉसन वो एकदम सख्त खिलाफ थे कि विस्की में किसी तरह का स्मोकीनेस हो. तो ये जैसा मैंने कहा ज़ीरो स्मोक विस्की है. ये स्पेसाइड की विस्की है. इसकी खासियत है इसका बहुत ही डेलिकेट सा अरोमा और स्पेशली बहुत फ्रूटी नेचर होता है इस विस्की का. एंट्री लेवल की स्कॉच विस्की है लेकिन बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है इसकी. और फ़ैन फॉलोइंग में क्या है, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कोई गिमिक उसका कोई हाथ नहीं है. ये वर्ड ऑफ माउथ से इसकी पब्लिसिटी हुई है. झारखंड में इसकी MRP है 1800 रुपये. हालांकि ये मुझे मिली है 2000 रुपये में. मतलब 200 रुपया प्रीमियम पे किया गया है इसको ख़रीदने के लिए झारखंड में. ये स्थिति है झारखंड की आजकल. आपको MRP के ऊपर पे करना पड़ता है और आप कुछ कर नहीं सकते हैं. बोतल निकालते हैं बाहर. ये पैकिंग का कलर और डिज़ाइन और ये काफ़ी हार्ड बोर्ड की पैकिंग है तो दिस इज़ गुड. सामने लिखते हैं विलियम लॉसन डिस्टिलर्स ग्लासगो एंड मैकडफ. तो मैकडफ में जो इसकी डिस्टिलरी है वहाँ से मेजॉरिटी ये स्कॉच मॉल्ट आता है और ग्रेन विस्की ग्लासगो से आती है. बड़ा ही सिंपल टॉल बॉटल डिज़ाइन है और वो भी ग्रीन कलर का. तो बॉटल डिज़ाइन से आपको एक नज़र में ये ब्लैक एंड वाइट का याद दिलाएगा. अच्छा, ये भी कुछ कुछ उस तरह की विस्की है जैसे कि ड्यूअर्स जो विस्की थी मैंने अभी रिव्यू किया था ड्यूअर्स वाइट लेवल का. तो ड्यूअर्स वाइट लेवल क्या है, इट यूज़ टू बी एक्सपेंसिव विस्की लेकिन जब बकाडी ने उसको परचेज कर लिया और आजकल इंडिया में उसकी बॉटलिंग स्टार्ट हो गई है तो दे रिड्यूस देयर MRPs. तो सेम कहानी है इस विलियम लॉसन का भी. ये जो बॉटल है ये बॉटलिंग इंडिया में हुई है. इसका भी बैरल इम्पोर्ट होके आता है स्कॉटलैंड से और बॉटलिंग इंडिया में होती है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका रीजनेबली प्राइज्ड होने का. फटाक से बॉटल खोलते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं. नॉर्मली जो भी विस्की बॉटल इन स्कॉटलैंड होती है उसमें इंग्रेडिएंट्स और इस तरह का कुछ लिखा नहीं जाता है. लेकिन जो भी इंडिया में बॉटल होगा तो इंडिया में नियम कानून है इंग्रेडिएंट्स लिखने का. एक नज़र डालते हैं क्या लिखते हैं. स्कॉच विस्की एंड वाटर सिंपल. कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A. तो स्कॉच विस्की और वाटर के अलावा इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग भी ऐड किया गया है. हालांकि जब आप इसके कलर को ग्लास में देखते हैं तो इट्स वेरी लाइट कलर. इसको लाइट गोल्ड भी नहीं कह सकते हैं, इसको आई थिंक पेल येलो टाइप का कलर कह सकते हैं. इट्स वेरी लाइट कलर. ये भी एक रीज़न है दिस ग्रीन कलर ऑफ ग्लास का. नॉर्मली ये डार्क कलर का ग्लास बॉटल में तभी यूज़ किया जाता है जबकि आपकी विस्की थोड़ी लाइट कलर की होती है क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी है विस्की अगर बहुत लाइट कलर दिखता है बॉटल के अंदर तो लोगों को लगता है शायद इसका स्ट्रेंथ कम होगा या ये थोड़ा सा माइल्ड विस्की होना चाहिए, उतनी शायद स्ट्रांग नहीं है. बट ऐसा कोई बात है नहीं. तो इट्स वेरी लाइट इन कलर लेकिन इसकी बॉडी उतनी लाइट नहीं है. बॉडी इज़ वेरी नाइस. आपको आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं बट इट्स अ मीडियम बॉडीड विस्की है. आते हैं नोजिंग पे.
एक अच्छी बात है कि अपना स्ट्रांगनेस जो है उसको ये बरकरार रखा है, उसके साथ साथ एक परफेक्ट स्पेस साइड वाला विस्की जो फ्रूटी नेचर होता है, और फ्रूट में भी क्या एप्पल, पियर, बनाना, इस तरह का, जो कि बहुत ही स्मूथ और बहुत और जरा सा एक हनी का डेफिनेटली। सो नोज़ की अगर बात करें तो ये अमेजिंग है नोज़ पे। मैंने पहले भी कहा कि आई एम अ फैन ऑफ स्मोकी विस्की और इसमें स्मोक है बिल्कुल ज़ीरो, बट उसके बाद भी नोज़ पे ज़बरदस्त मज़ेदार लग रहा है और टेम्प्ट कर रहा है कि आप जल्दी से सिप करो। तो अब ज़्यादा देर करते नहीं हैं, स्टार्ट करते हैं, सिप करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, पंच है, लेकिन टेस्ट में इसको विस्की कह नहीं सकते हैं। इट्स अ फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम एक डेजर्ट डिश होता है, आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा। और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दैट इज़ एप्पल, बनाना और कुछ क्रीम। एग्जैक्टली उसको अगर मैश करके आप रख दें एक जगह तो एग्जैक्टली ऐसा ही स्मेल करेगा, फ्रूट क्रीम। और उतना ही क्रीमी, उतना ही बटरी आपके ज़बरदस्त ये लेयर बनाता है आपके मुंह पे, और बहुत अच्छा इसका लिंगरिंग इफ़ेक्ट है मुंह में, बहुत अच्छे से घुल करके और धीरे से नीचे जाता है। अपना स्ट्रॉन्ग और पंची जो एक नेचर है उसको प्रिजर्व करते हुए इतना सुंदर फ्रूटी नोट डिलीवर करना, ये अमेजिंग है। अगर मिक्सिंग की बात की जाए तो सीधा सीधा मैं कहूँगा इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइस मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना स्मूथ, एकदम बटर के जैसा मुंह में फैलेगा, चारों तरफ आपके मुंह में उसका टेस्ट समा जाएगा और धीरे से नीचे जाएगा, और साथ में एक स्ट्रांगनेस, एक पंच, अमेजिंग है। वैसे भी आप देखें यहाँ पे वर्ल्ड विस्की अवार्ड, वर्ल्ड स्पिरिट चैलेंज और दुनिया तरह की, इधर भी आप देखें इधर भी कई सारी अवार्ड्स, तो ये इतने सारे अवार्ड्स ऐसे ही नहीं मिलते हैं, आपके माल में दम होना चाहिए। और जैसा मैं कह रहा था कि इसकी पॉपुलैरिटी का जो राज है दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ। इतनी बढ़िया विस्की जिस दिन भी आप पियेंगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को ज़रूर इसके बारे में बताएंगे, और उसी तरह से इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। शानदार विस्की, अमेजिंग विस्की, अ मस्ट ट्राई विस्की, ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर से कहूँगा आई लव स्मोकी विस्की, लेकिन ये ज़ीरो स्मोक वाला विस्की इतना पसंद आ सकता है किसी को, एंड ऑल बिकॉज दिस वेरी डिस्टिंक्ट फ्रूटी फ्लेवर एंड वेरी वेरी स्मूथ विस्की। मज़ा आ गया रिव्यू करके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह की विस्की है। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार और एक्सपीरियंस कीजिए इसके डेलिकेट फ्लेवर को और अल्टीमेट स्मूथनेस को। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।